अब हम खुद नीपी सिंह केस करने में जरी जरी को केस से खींचते खींचते पढ़ते पढ़ते जब बढ़िया केस मिलना शुरू हो गया तो छोटका केस अपने नाम हटाने के लिए अपना नाम की हमारा नाम होवे कि नहीं हम न्याय करते हैं केस लड़ाई खत्म कर दिए कोर्ट। बाहुबली नेता और मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के साम्राज्य को हिला देने वाली युवा आईपीएस अधिकारी और पटना के बाढ़ अनुमंडल की एडिशनल एसपी लिपि सिंह आजकल खूब चर्चा में है। लिपि सिंह की अब तक पहचान यही रही थी कि वो जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह की बेटी है, मगर पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से लिपि सिंह ने अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है उससे उनकी एक नई पहचान बन गई है। लेडी सिंघम की 2016 बैच की आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह ने पिछले कुछ दिनों में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है। क्या फिलहाल गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा है? अनंत सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए लिपि सिंह ने कुछ दिन पहले मोकामा में स्थित उसके पैतृक गाँव लदमा में छापेमारी की और उसके घर से AK-47 राइफल, 22 जिंदा कारतूस और 2 देसी बम बरामद किए। इसी बरामदगी को लेकर लिपि सिंह ने अनंत सिंह के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत FIR दर्ज की। अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने जब उसके पटना आवास पर छापेमारी की तो उसे इसके बारे में पहले ही जानकारी मिल गई थी और वो वहाँ से फरार हो गया। हाल ही में अनंत सिंह का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था जहाँ पर वो अपने एक प्रतिद्वंदी भोला सिंह की हत्या की साजिश रचता हुआ सुना गया था। इस मामले में भी लिपि सिंह ने अनंत सिंह समेत उसके दाहिना हाथ कहे जाने वाले लल्लू मुखिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। AK-47 मामले में अनंत सिंह के फरार होने के बाद लिपि सिंह ने लल्लू मुखिया पर दबिश बनाना शुरू किया जिसके बाद वो भी फरार हो गया। लल्लू मुखिया की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए लिपि सिंह ने कोर्ट से उसकी संपत्ति कुर्की का आदेश प्राप्त किया और फिर ताबड़तोड़ लल्लू मुखिया की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी, यानी बिना समय गवाए सब कुछ ताबड़तोड़। लिपि सिंह के इसी हल्ला बोल कार्यक्रम ने अनंत सिंह के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है और कब तक बचकर भागेगा अनंत सिंह? आखिरकार कभी न कभी तो उसे कानून के हत्थे चढ़ना ही होगा क्योंकि लेडी सिंघम लिपि सिंह उनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी हैं। इस खबर पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।